नमस्कार शार्क्स, मैं हूँ राघव। मैं हूँ गुरप्रीत सिंह। और मैं हूँ अमित बग्गा। और हम आए हैं दिल वालों की दिल्ली से। नाइस। तो शार्क्स, जब भी हम हिंदुस्तानी किसी के घर जाते हैं तो कुछ खाने को जरूर लेके जाते हैं। तो आज हम आपके लिए भी दिल्ली से लाए हैं अपना दरियागंज। सो शार्क्स, आप लोग खाना खाइए, थोड़ा मजा करिए और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बात है 1947 की। साले खाना पहले खाए साथ में। क्योंकि मैं ना चार प्याज खा चुका हूँ और भी खा। दूर है, मुझे तेरे बाजू में नहीं बैठना है। बस दो मिनट दीजिए। अरे तकलीफ मुझे हो रही है, पांच प्याज खा के मेरे बगल में बैठा। बात है 1947 की। कुछ मिक्स्ड इमोशंस थे, जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ लाखों लोग अपना सब कुछ खोके कुछ चंद टुकड़ों के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। इसी तरह एक रेफ्यूजी कुंदन लाल जग्गी पेशावर से दिल्ली के दरियागंज एरिया में आए। एक हुनर था, वो खाना बहुत अच्छा बनाते थे। अपने दो दोस्तों के साथ मिलके उन्होंने वहां पर एक रेस्टोरेंट शुरू किया। उस रेस्टोरेंट में एक रात काफी मेहमान आ गए। किचन में सारा खाना बिक चुका था। वो किचन में गए, कुछ बचे हुए तंदूरी चिकन के पीसेस को टमाटर और बटर की ग्रेवी में बनाया और डिश सर्व कर दी। एंड शार्क्स, Guess what was invented? Sada apna butter chicken. Oi, balle balle. Wow. The original 1947 butter chicken for you all. Aur vegetarian ke liye butter paneer. Usi restaurant mein just by chance invent hui dal makhni. Are wah. उसके बाद रिटायर हो गए। 2015 में उन्हें कलिनरी लेजेंड अवार्ड मिला बाय द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया। हम ये बात कर ही रहे थे कि हाउ डू वी रिवाइव हिज लेगेसी। अनफॉर्चुनेटली 2018 में मेरे दादाजी का देहांत हो गया। 2019 में हमने लॉन्च करा दरियागंज, द मोस्ट ऑथेंटिक एंड फ्लेवरफुल रेस्टोरेंट फॉर नॉर्थ इंडियन क्विजीन दैट होपफुली यू विल एक्सपीरियंस। इट इज अ कंप्लीट ट्रिब्यूट टू हिज कलिनरी लेगेसी। हमारे अभी पांच रेस्टोरेंट है और एक हमारा क्लाउड किचन भी है और हमारे अब हम पांच और रेस्टोरेंट और पांच और क्लाउड किचन भी खोलने वाले हैं। अभी रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं? सो दिल्ली में हम पांच लोकेशंस पे हैं और हमारी काफी और लोकेशंस आने वाली हैं और हम खोलना चाहते हैं अगले पांच साल में 100 रेस्टोरेंट। 100 रेस्टोरेंट? बिल्कुल। सो शार्क्स, आर आस्क इज 90 लाख रुपीस फॉर 0.5%। 180 करोड़। इन्होंने एग्जैक्ट बोला था आपके आने से पहले कि 200 करोड़ आने वाले हैं। 200 करोड़ का वैल्यूएशन मैं देख के पहचान। शार्क्स चलिए दरियागंज। चलिए दरियागंज नहीं भाई, आप दरियागंज यहीं ले आए हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैं आपके रेस्टोरेंट में बहुत जाता हूँ और आपका ये जो थैंक दैट्स ग्रेट टू नो, वो तो इनको पता ही है इसलिए आपको हेड ऑफ द टेबल बनाया। और खाना बटर चिकन सॉलिड है आपका। इसमें दो बटर चिकन आते हैं आपके। हां जी, दो तरह के। एक होता है ओरिजिनल बटर चिकन और एक होता है टुडेस बटर चिकन। बिल्कुल सही कहा आपने अमन, आप तो पूरा अपना रिसर्च करके आए। नहीं नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, 2 हफ्ते पहले मैं दिल्ली में थी, हम लोग एरो सिटी में थे, हम एक 5-स्टार होटल में थे। मैंने बोला यहीं पे जाके खाना खा लेते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे दरियागंज है 2 किलोमीटर दूर, हम गाड़ी में बैठ के जाके वहाँ पे खाएंगे बटर चिकन। बहुत मैंने बोला मैं वेज हूँ, मैं बटर चिकन नहीं खाती। मुझे अरे वेज का भी कुछ अच्छा होगा, मैंने तो कभी खाया नहीं है, पर वहाँ बटर चिकन ही खाएंगे। एंड देन बहुत कोशिश की उसने, मुझे पता नहीं था कि आपका बटर पनीर भी इतना अच्छा है, तो इसलिए उस दिन हम नहीं गए। पर लाइक
अच्छा आपका रिश्ता बता दीजिए फटाफट, तो समझ में आया आप मिले कैसे, कैसे शुरू किया ये काम? सो अनुपम, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, दिल्ली में सेंट कोलंबस में पढ़ा, वहाँ पे अमित और मैं 5 साल की उम्र से साथ थे, वहाँ से हाई स्कूल से निकला, सेंट स्टीफन्स कॉलेज गया, फिर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन करी और मैं US मूव हो गया। कौन सी स्टार्टअप? EXL सर्विस। अच्छा, ओके। तो मैं अभी भी उन्हीं के साथ हूँ। मेरे मन में हमेशा था कि दादाजी की लेगेसी को वापस रिवाइव करना ही करना है, राइट? एंड टू एक्चुअली ब्रिंग बैक द ऑथेंटिक टेस्ट जो एकदम मिसिंग था मार्केट में। मैंने अमित से डिस्कस करा, अमित ने कहा 100% लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू इट। दरियागंज यहाँ पर कैप्टन ऑफ द शिप इज अमित, ही वाज अ रेस्टोरेंटियर, आप इन्वेस्टर हैं, आई ब्रिंग द फैमिली लेगेसी और जो भी मैं इनपुट्स अमित को दे सकता हूँ। आप लोगों के रोल्स क्या हैं आपस में? सो आई एम द सीईओ एंड को-फाउंडर विद हिम, ही इज द फाउंडर प्रमोटर एंड ही इज द कॉर्पोरेट शेफ एंड द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट है, इट्स नॉट वेरी फाइन डाइन। अब जैसे इंडियन एक्सेंट भी है, राइट, ये यूजुअली स्केल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन वॉल्यूम। तो शार्क्स मैटर ऑफ चांस इंडियन एक्सेंट में मैं शेफ दी कुजीन था जब वो खुला था, सो आई नो हाउ दैट ऑपरेट्स। वो 1, 2, 3 खोल सकते हैं। हमारा जो दरियागंज रेस्टोरेंट है, वी वांट टू सर्व द ओरिजिनल बटर चिकन टू द मैक्सिमम पीपल इन द वर्ल्ड, सो दैट इज व्हाई वी केप्ट आवर रेसिपीज वेरी सिंपल। शार्क्स, ट्रस्ट मी, यू विद दिस ब्रांड आई बिकम अ फार्मर, यू गॉट एंड आई एम सीरियस। हम लोग जाके अपने तरीके के टोमेटोज प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज व्हाई दिस क्वालिटी, दिस कंसिस्टेंसी इज नॉट इजी टू प्रोड्यूस। आपने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सुना है? वही मैं बोल रही हूं, उसमें से आई निकाल दो। शेफ मार्केटिंग ऑफिसर नहीं, दूसरे शेफ को रख के इनको मार्केटिंग ऑफिसर बना दो। तो आपका प्राइस पॉइंट क्या है? हमारा जो प्राइस पॉइंट है कंपेयर टू एनी कंपेटिटर करीबन 15-20% कम है। बटर चिकन का क्या प्राइस है बता दीजिए? बटर चिकन का प्राइस हमारा 550 है। इंडियन एक्सटेंट में सेम चीज कितने में? सेम साइज 3 पोर्शन होगी, एक पोर्शन 1200 का है, तो 1200 रुपए। सो एना दाल मखनी इस प्राइस है 385। मेरे को ना थोड़ा सा आप ये बताइए, आपका इस बिजनेस में क्या इक्विटी स्ट्रक्चर किसका कितना है? सो इसमें मेरा है 50%, अमित का है 20%, एक मेरे फैमिली जैसे स्टार्टिंग में हमारे एंजल इन्वेस्टर थे उनके पास है 19%, गुरप्रीत के पास है 2.5%, और बाकी हमने रखा है अपने एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस के लिए। तो आपने कैपिटल लगाया इस बिजनेस में? हाँ जी। कितना कैपिटल आपने लगाया? अभी तक हम 13 करोड़ रुपए लगा चुके हैं इस बिजनेस में। हाँ, उसमें से आपने पर्सनली कितना लगाया? मैंने करीबन 6.5-7 करोड़ तक लगाया। और बाकी? बाकी विजय भल्ला जो उनका फैमिली ऑफिस है VVLS, थोड़ा अमित का और थोड़ा और कुछ हमारे दोस्तों का। फिर्मी है? हाँ, ले। एक ही बात सुनी है, एक ही बात आप लोग ने कही है, फूड फूड फूड, बट द पर्सन हुज मेकिंग द फूड उसके पास सबसे कम इक्विटी, ये समझाएंगे जरा? सो अनुपम, मैं गुरप्रीत से मिला न्यूयॉर्क में, ये वहां पर फुल टाइम काम कर रहे थे, ही एक्चुअली जस्ट जॉइंड अस फुल टाइम नाउ। अभी तक गुरप्रीत जो थे वो कंसल्टेंट थे। गुरप्रीत आप अपना बताइए। सो जब दरियागंज हो रहा था आई वॉज प्लानिंग टू गो टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर दिवाली पे मेरा रेस्टोरेंट खुलना था एंड राघव जस्ट वॉक्स इन, मेरी बिजनेस पार्टी है, मेरे को 80 लोग करने, मेरा रेस्टोरेंट खुला नहीं था, मैं उस दिन पर्दे टांगे मैंने इनकी पार्टी करी और मुझे नहीं पता था वो पार्टी नहीं था, मेरा ट्रेड टेस्ट था। भाई इतनी मेहनत करके आप न्यूयॉर्क गए थे, वापस रिसीट के ले आया, मजा आ तो आपको ये 2.5% सियाप्पा नहीं लगता? सियाप्पा वर्ड बड़ा सही था। तो अपना सेल्स बताएंगे आप? अभी हमारी लास्ट मंथली सेल थी 3 करोड़ नेट। आप शार्क टाइम बहुत देखते हो, सीधा लास्ट मंथ पे आ गया। लास्ट मंथ 3 करोड़ नेट रेवेन्यू? हाँ जी, नेट रेवेन्यू हमारा लास्ट मंथ 3 करोड़ का था। पिछले साल का बता दीजिए कितना हुआ, ये साल रन रेट क्या है और कहाँ तक पहुँचोगे? ओके। और मार्जिन्स बता दीजिए बिजनेस में। सो पिछले साल हमने 22 करोड़ का रनओवर किया था और उसमें कुछ महीने कोविड से अफेक्टेड थे। सही है। इस फाइनेंशियल ईयर में आज अप्रैल से अभी तक हमने 18 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कर लिया है और एंड वी आर
ऑन ट्रैक टू रीच 38 करोड़। हाँ जी, एंड हमारे मार्जिन की बात करें तो हमारा आउटलेट लेवल जो मार्जिन है वो 21% के आसपास है। कम है generally in this business. I think for this हमारे जो सेगमेंट है उसके हिसाब से आउटलेट लेवल EBITDA is considered a good benchmark. Corporate level? Corporate level पे हम 13%। मैंने सोचा था पहले आप लोगों को ना कहीं पे इंस्टा पे या कहीं पे लिख के करूं कि I want to be an investor because product अच्छा होता है तो it oh my god that's amazing adds on right but time नहीं मिला करने का unfortunately वो आज का दिन आना पड़ा। so I am in for the deal but I just not able to understand ki itni zyada valuation kyun maang rahe ho। हमारे पास तीन चीजें हैं विच वी थिंक आर वेरी यूनिक। हमारे पास ऐसी लेगेसी है जो रेप्लिकेट हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज, हमने ये बिजनेस एवरी सिंगल रेस्टोरेंट इज प्रॉफिटेबल ऑन इट्स ओन एंड वी आर एक्सट्रीमली कैश फ्लो पॉजिटिव। बट 20% प्रॉफिट इज नॉट अ गुड प्रॉफिट एट अ रेस्टोरेंट लेवल। रेस्टोरेंट लेवल पे जी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए उसके व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन, इनको एक्सप्लेन कर दीजिए आपका रेस्टोरेंट लेवल मार्जिन स्ट्रक्चर। तो अगर आप समझे कि 100 रुपए की सेल है तो उसमें से 27 फूड कॉस्ट, 3% हमारी पैकेजिंग कॉस्ट और 30% हमारा इस पे चले जाता है। उसके बाद हमारी जो मैन पावर कॉस्ट है वो अबाउट 17% के आसपास है। हमारी जो रियल एस्टेट कॉस्ट है वो अभी 17% है बट दिस इज व्हाट यू वांट टू गेट। 34 प्लस आपने 30 प्लस 17 प्लस 17 34 प्लस 30 64। हाँ जी, उसके अलावा देर आर स्मॉल अदर हेड्स लाइक यू नो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कमीशंस टू एग्रीगेटर्स, सब कुछ वो करके तो वो सब उसमें आ जाता है। एंड उसके बाद हमको जो नेट बचता है 21% बचता है। मेरे को लग रहा है आपका पीपल कॉस्ट भी हाई है। हाँ जी, आपका रेंटल भी हाई है, 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए। I agree. आपका payback क्या है स्टोर का? हमारे स्टोर का payback जो है, जो average payback चल रहा है, वो about क्या कहते हैं, about 18 to 21 months में। ये भी ज़्यादा है। एक restaurant में investment कितना है खोल लें? हमारी about 1.5 से 2 crore की investment एक restaurant में आती है। आपका कोई और investor भी है? हमारे पास एक term sheet है अभी। कहाँ से है? One Digi, एक family office है। Family office से क्यों ले रहे हो आप? Institutional क्यों ले रहे हो? So we just felt it's too early. Institution वाला पता है क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो actual मतलब CEO जिन्हें आप बोलते हैं उनके पास 20% है and investor मतलब आप 50% और वो 20%। Practically speaking आपका only contribution is investment. Yeah. फॉर ऑल प्रैक्टिकल उनके पास 70% है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा ये सोचेगा कि जो एंटरप्रेन्योर फाउंडर जो रात दिन पसीना लगा रहा है बिजनेस में उसके पास ज्यादा 50 से ज्यादा हो। आपकी टर्म शीट क्या वैल्यूएशन पे और कितना ऑफर किया? 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे टर्म शीट है। हाउ मच मनी हैव दे ऑफर? हम इस वक्त 8 करोड़ $1 मिलियन रेस करने का की बात कर रहे हैं। ये आपकी जो टर्म शीट है वो वाली और डिस्काउंट तो अभी जम नहीं रहा मुझे, पर मैं आपको अपनी तरफ से ऑफर दे देती हूँ 90 लाख फॉर 1%। दैट्स 90 करोड़ का वैल्यूएशन है। सो हम बाकी सारी ऑफर सुन के फिर आपके पास आते हैं। मैंने डिसीजन बना लिया है। देखिए, आई थिंक बिजनेस अच्छा है, फूड इज गुड। मुझे लगता है कि अभी जो वैल्यूएशन आप मांग रहे हैं ना, इस वैल्यूएशन पे वो एक्साइटिंग नहीं है रिटर्न वाइज, और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी प्ले भी नहीं है बिजनेस में, तो मेरा वैल्यू ऐड होगा नहीं, तो इस वजह से मैं बाहर हूं। बट बिजनेस इज गुड। थैंक यू। आई टेल यू माय इशू, ये एक बहुत क्लटर्ड मार्केट है एंड यूजुअली जब मैं क्लटर्ड मार्केट में इन्वेस्ट करती हूं, whether it is स्किन केयर और फूड और फैशन और वट एवर, मैं एक डिफरेंशिएटर ढूंढती हूँ। एंड मैंने तो बटर चिकन खाया नहीं, आई एम अ वेजिटेरियन, बट एटलीस्ट दाल मखनी एंड पनीर में आई डिडंट फाइंड अ डिफरेंशिएटर। यू नो अगेन दिस इज एन इंडस्ट्री जहाँ मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट थैंक यू अगेन। मुझे एक बात बताइए, आप अगर ये सोचते हो राघव जी कि ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस चला रहे हो एज ए प्रोफेशनल, अगर ये धंधा सच में मल्टी बिलियन डॉलर्स का है जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हो, आप हमारे पैसे
कमा के देंगे तो आप छोड़ छाड़ के बैठ क्यों नहीं जाते हो? Why don't you? You own 50% of the cap table. That is the biggest stumbling block. The reality is, restaurant business को कैसे चलाना है? वो मेरे पास वो competence है ही नहीं, right? वो competence अमित के पास है. I know him since he was 5 years old. लेकिन sir, problem वहाँ नहीं आ रही है. Problem यहाँ आ रही है कि आप company के 50% लेके New York में बैठे हुए. Anupam, I am happy to offload 20% to you. आप मेरे को आज 50 करोड़ में 20% दे दो. बाकी आपका जो valuation ask है, मैं 90 लाख और दे देता. मतलब मेरे को समझ नहीं आया, भाई साहब, can you repeat the question? मैंने कहा 50 करोड़ के valuation में, आप मेरे से 10 करोड़ रुपए ले लो. आजा. Give me 20%. बाकी आपने जो valuation मांगी है, मैं ना दे पाऊँ, ले ले भाई. उसके बाद for 0.5%, I'll give you 90 lakhs, which is 180 crore value. Shark Tank ke itihas ka sabse bada offer hai. Hi. Bahut achhi offer hai, par valuation mere liye is significantly off. Mujhe lagta hai yahan pe risk return ratio kuch zyada hi kharab hai. It is highly in favor of your ownership. Not in favor of the investor. इस वजह से मैं आउट हूँ. लेकिन खाना अच्छा था. Thank you. आप बढ़ते रहिए. Thank you. All the best. Thank you. मुझे पता क्या लगता है, अगर प्रोडक्ट ठीक होता है ना तो बाकी चीजें विल फॉल इन प्लेस. बट जैसे अनुपम ने सही बात बोली कि आपकी इंटरवेंशन चाहिए होगी जिसके पास 50% है. सो अमन, आप सही कह रहे हैं, सही टाइम पे मैं एब्सोल्युटली सेकेंडरी ऑफलोड करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, तो मेरी कंडीशन ये रहेगी कि आपकी सेकेंडरी से पहले आप हमारी भी सेकेंडरी कराओगे, नॉट जस्ट योर्स, राइट? अग्रीड. तो मैं आपको वैल्यूएशन इतनी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि विनीता के पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा बांटती है. मैं आपको दे पाऊंगा ओनली 50 lakhs फॉर 1%, व्हिच इज 50 crores वैल्यूएशन, और बाकी डेट. वो इंटरेस्ट क्या देंगे भाई? हाँ, 12%. 12% इंटरेस्ट, व्हिच इज नॉट बैड. आपको चाहिए आप काउंटर कर सकते हैं, या जैसे मुझे रिजेक्ट किया इन दोनों को भी रिजेक्ट करके वापस दरियागंज जा सकते हैं. आप डिसाइड कीजिए. उनको शासन को 2 मिनट देंगे हमसे. हम एक जस्ट गिव अस 2 मिनट्स. चलिए. देन विनीता के पास कितने पैसे, 90 लाख करोड़ की वैल्यूएशन दे देती आते जाते. Welcome back, guys. असली शख्स आ गए. So Aman, we would love for you to be a part of the brand. पर आपकी valuation genuinely off है. आपकी जो दूसरी condition है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं. Right? आपको हम genuinely counter offer एक देना चाहते हैं. 120 करोड़ की valuation आपके लिए. आप जैसे भी चाहते हैं, आप structure कर लीजिए, आप जैसे term sheet बनाना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं. Right? अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, जो भी हम नेक्स्ट फॉर्मल राउंड रेस करेंगे, आप हमारे साथ होंगे. विनीता अगर हमारे साथ होंगी, इट विल मेक इट इजीयर. मैं तो आउट हूं, आपने सारी पिच अमन को दी. नहीं नहीं, आप नो नो नो, विनीता, वी आर स्टार्टिंग, वी आर जस्ट एड्रेसिंग अमन फर्स्ट एंड देन वी विल कम टू क्लोज विद यू, राइट? सो वी आर जस्ट मेकिंग इट इजी. सो अमन, अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशन में डिस्कनेक्ट है हमारे बीच, जो भी हम नेक्स्ट फॉर्मल राउंड रेस करेंगे, राइट, तब तक आपके 90 लाख हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे, और जो भी वो राउंड होगा उस पे हम आपको 30% का डिस्काउंट देंगे उस टाइम की वैल्यूएशन. कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल. और तब तक 12% इंटरेस्ट देंगे. एब्सोल्युटली. 30% IRR. या यस. मतलब अगर आप 1 साल के बाद राउंड रेस करेंगे तो डिस्काउंट और बढ़ जाएगा. ये ना हो कि आप 10 साल तक ना करो तो फिर वो 30. नहीं नहीं, बिल्कुल सही. मैं आपको एक लास्ट ऑफर दे देता हूँ, 90 lakhs एट 90 crore, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस वी स्पोक. दिस इज विनीताज ऑफर आल्सो, एंड दिस इज लाइक 50 करोड़ से 90 पे आया, एंड दिस इज ओनली फॉर द लव ऑफ फूड. तो अमन, इस पे मैं एक कंडीशन
मोर ऑफ अ रिक्वेस्ट है आपसे, आपका सर्टेन टाइम, ज्यादा नहीं, चाहे एक घंटा, महीना हो, बट ट्रूली टर्बो चार्जिंग आर मार्केटिंग स्ट्रेटजी. देखो, आपको उसको मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, नहीं है, वो मक्खन में डाल के आपका चिकन खा सकता है. मैंने चीज बताता हूँ, हम मेरा क्या बोल रहे हैं पीछे से पंच पर क्या बोल. सो बेसिकली हम चाहते हैं आप दोनों हमारी ब्रांड्स. नहीं देखो, मैंने तुम्हें बेटर वैल्यूएशन दी, तुमने आके अमन से पहले बात आप... की. नहीं नहीं, दिस इज मतलब बहुत क्लियर है. नहीं नहीं, 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 मैं आउट हूं. Absolute out too, क्योंकि मैंने आपको उससे 40 करोड़ ज़्यादा valuation दी. आपके पास option था, आपने 3 मिनट की sales pitch दी अमन को, और उसके बाद फिर मैंने I'm out बोला तो आपने बोल दिया I'm out. नहीं नहीं, विनीता ऐसी ऐसी with 100% respect, ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी. वो butter chicken brand ambassador. मैं vegetarian. Guys, four sharks out. आप अमन से बात कीजिए. हमने यहाँ पे अपना भी टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे, आपका भी टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे, ठीक है, ना ही मैं आपका बिजनेस चलाऊंगा. आपने यहाँ पे सोचा कि चलो मैंने 2.5% में सर को दे दिया बिजनेस चलाने को, इनको दे दिया 20%, ये चलाने, अमन को ले देते हैं 1%, मार्केटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. जब आपको सजेशन चाहिए होंगे, डिस्कशन करना होगा, तब मैं आपके लिए आऊंगा. आई एम अ मेंटर, आई एम नॉट वन ऑफ योर गाइस कि आपने 1% देंगे अमन को खरीदिए. नहीं नहीं, अमन नहीं आएगा. Right. मैं टाइम आपको दूंगा तभी इन्वेस्ट करूंगा. डील डन.